हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि अब आप सिर्फ हेल्दी खाना ही खाएंगे, वैसे ही बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस लाइक शुगरी और जंक फूड और यू कैन से अनहेल्दी फूड्स ज़्यादा फोर्स के साथ आपके सामने आने लगते हैं और कहीं ना कहीं लैक ऑफ डेडिकेशन से आप अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि समर इज़ द बेस्ट सीजन टू लूज़ वेट और गेटिंग फिट एंड हेल्दी, बिकॉज समर सीजन में हॉट वेदर की वजह से कुछ भी हैवी और फ्राइड खाने का मन नहीं होता, विच इज़ प्लस पॉइंट टू रीच योर फिटनेस गोल्स। इस सीजन का एडवांटेज लेकर हम अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव कर सकते हैं और वो भी बहुत ईजीली। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो समर सीजन में आपको फिट रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लिक्विड डाइट। समर में परांठा जैसे अनहेल्दी ब्रेकफास्ट को बिल्कुल नो बोल दें। ट्राई टू कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर एंड लिक्विड डाइट, क्योंकि समर्स में हमारी लिक्विड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एंड यू कैन नरिश योर बॉडी एंड योर स्किन बाय कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ लिक्विड्स इन डिफरेंट फॉर्म। प्लेन वाटर तो अच्छा है ही, बट आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स के साथ भी उसे यमी और अट्रैक्टिव बनाकर कंज्यूम कर सकते हैं। जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं और डाइट कंट्रोल में नहीं, तो टॉक्सिन्स बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम कितना भी हेल्दी खाएं और वर्कआउट भी करें लेकिन वेट कम नहीं होता, क्योंकि जब तक बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे तब तक फैट बर्न का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। सो अगर इस सीज़न में आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो डिटॉक्स योर बॉडी फर्स्ट। इस पर मेरी एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। समर्स में क्योंकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट की डिमांड करती है और जितना ज़्यादा हम लिक्विड लेंगे उतना ही टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो प्लेन वाटर के अलावा आप 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 ग्लास पानी में डिजॉल्व करके ले सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को क्लीन करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है और आप इसे दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन वेट लॉस के लिए आप इसे बिफोर मील लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे ही लेमन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारे एनर्जी लेवल को भी लो कर देती है, सो समर्स में आप शिकंजी बना के पी सकते हैं, बट ट्राई टू कंज्यूम लेस शुगर इन दिस हेल्दी ड्रिंक। इसी तरह से शिकंजी और लस्सी के अलावा और भी ऐसे कई ड्रिंक्स हैं जिनकी कंजम्पशन समर्स में आपको कूल और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। समर्स में हॉट ग्रीन टी की बजाय आप कोल्ड ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा पानी बॉयल करेंगे और जैसे ही पानी बॉयल होने लगे फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद उसमें ग्रीन टी ऐड करेंगे और उसे कवर करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक ऐसे ही रहने देंगे। स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर लें, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दें, उसके बाद पुदीना पत्ता ऐड करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जितना भी आपने कंज्यूम करना हो, जब भी कंज्यूम करना हो, आइस के साथ या फिर विदाउट आइस आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइबर रिच डाइट। वी नीड एटलीस्ट 25 to 30 grams फाइबर डेली, बट बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फुल ऑफ फाइबर होने के साथ साथ लॉट्स ऑफ विटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे डेली डाइट में फाइबर पूरा हो तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में एंड यस वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये बात बहुत क्लियर है कि आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, और फाइबर की कमी की वजह से ही हमें बार बार भूख लगती है और हम कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, विच लीड्स अस टू द प्रॉब्लम ऑफ वेट गेन। बट फाइबर से मेरा मतलब फाइबर सप्लीमेंट से नहीं बल्कि प्लांट फाइबर से है। सो ईट मोर एंड मोर प्लांट फूड। लाइक समर्स में आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ साथ लौकी और पम्पकिन बहुत ईजिली मिल जाता है, तो बिना चपाती के 1 या 2 बाउल इस तरह की वेजिटेबल खाने से आपको भरपूर फाइबर मिल जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको फाइबर के साथ साथ प्रोटीन एंड बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। स्प्राउट्स जैसा हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको फुल फील करवाता है और साथ ही पैक्ड होता है लॉट्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, के एंड मैनी मोर। समर्स में अगर आपको ग्रीन स्मूदी कंज्यूम करने की हैबिट हो जाए तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वेट लूज में हेल्प करती है, यू विल फील मोर एनर्जी इन योर बॉडी एंड मीठा खाने की क्रेविंग को भी कम करती है। नेक्स्ट
पॉइंट इज रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स इन फिटनेस. मॉडर्न डाइट, लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, लेकिन प्रोबायोटिक बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया को रिड्यूस एंड गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और इसी वजह से बॉडी में गुड सेल्स की पॉपुलेशन बूस्ट होती है जो बहुत सारी बीमारियों से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है. उसके लिए आपको कोई प्रोबायोटिक कैप्सूल्स खाने की जरूरत नहीं है. समर्स में कूल कूल दही किसे अच्छा नहीं लगता, सो दही और अचार यानी कि कर्ड एंड पिकल दोनों ही चीज़ें प्रोबायोटिक हैं, सो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन समर में भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेगी और किसी भी तरह का वायरल फीवर या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स आपको छू भी नहीं सकेंगी. प्लेन दही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रायता, लस्सी, छाछ किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन डेली और इनफ अमाउंट में लें. लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज. बहुत सारी वीडियोस में मैं बार बार कहती हूँ कि एक्सरसाइज डेली करें, लेकिन ओनली डू व्हाट यू लव टू डू. अगर आपको डंबल्स पसंद नहीं देन डोंट यूज़ इट. आप अपने बॉडी वेट के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. डांस करें, वॉक पसंद हो तो वॉक करें, वॉक के साथ आप थोड़ी एक्सरसाइज भी कंबाइन कर सकते हैं, बट डोंट बी लेजी. यू मस्ट डू सम फिजिकल एक्टिविटी टू रिमेन फिट. हो सके तो वीक में एक बार स्प्रिंट्स ज़रूर लगाएं, चाहे 10 से 15 मिनट ही क्यों नहीं. मैं डिफरेंट एक्सरसाइज वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. स्प्रिंट्स लगाना अगर मुश्किल लगे तो डॉग के साथ रन करना, प्ले करना इंजॉयमेंट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का एक अच्छा ऑप्शन है. प्रिपेयर योर माइंड फॉर फिटनेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. बी रेडी फॉर दिस हॉट वेदर एंड किल द हीट स्मार्टली. Click on like button if you like this video and subscribe to my channel if you are new on my channel. Don't forget, your comments motivate me a lot. So keep commenting. See you in the next video. Till then, bye. Take care and stay healthy.